तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बाजार जॉब के बारे में। बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था बिग बाजार के बारे में, उस पर करीब 94,000 व्यूज गए हैं और उसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि बिग बाजार जॉब कैसे पाए, कैसे वहां पर जाकर अप्लाई करें, वो सारी चीजें। लेकिन दोस्तों, आप कहीं भी जॉब करते हो, चाहे बिग बाजार हो या फिर कहीं भी, तो सबसे पहले उस सेक्टर के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें क्या होता है, किस किस पोस्ट पर जॉब होता है, क्या क्या वहां पर आपको मिलता है, क्या सैलरीज मिलती है, क्या सेक्शंस होते हैं, क्या टाइमिंग होती है, क्या छुट्टी होती है, कितने आपको वीक ऑफ मिलते हैं, कितने आपको लीव मिलते हैं, वो सारी चीजें। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिग बाजार में जॉब करना चाहते हो तो ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखो, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। और दोस्तों, मैं सीरीज चला रहा हूं बिग बाजार का, इस वीडियो में आपको दोस्तों बिग बाजार के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। ताकि देखो, सबसे पहले आपको बेसिक चीजें जाननी जरूरी होती है। अगर आप कंप्यूटर सीखने जाते हो तो आपको बेसिक नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बिग बाजार के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि बिग बाजार जो है वो एक कंपनी है, तो ऐसा नहीं है। बिग बाजार दोस्तों एक ब्रांड है और ये ब्रांड जो है वो फ्यूचर ग्रुप का है। अब देखो, फ्यूचर ग्रुप जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी अगर मान लो रिटेल सेक्टर में, तो फ्यूचर ग्रुप सबसे बड़ा है। अब फ्यूचर ग्रुप दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप के जो सीईओ हैं, यानी कि जो मालिक हैं, वो है किशोर बियानी, जो कि कैलकटा के हैं। अब फ्यूचर ग्रुप में बहुत सारे ब्रांड आते हैं, जैसे कि बिग बाजार, FBB यानी कि फैशन एट बिग बाजार, होम टाउन और हो गया ब्रांड फैक्ट्री, ये सारे जो है आप लोग सुने भी होंगे और यहां पर आप जाकर कपड़े भी परचेस किए होंगे। सेंट्रल जो मॉल है, वो भी सारी चीजें जो है वो फ्यूचर ग्रुप के अंडर में आते हैं। ऐसा जैसे कि बिग बाजार हो गया, सेंट्रल हो गया, होम टाउन हो गया, FBB हो गया, ये सारे जो है फ्यूचर ग्रुप का एक अंग है। फ्यूचर ग्रुप जो है इन सभी को जो है वो स्टैंड की है, वो सारे चीजों को वो खड़ा की है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं बिग बाजार जॉब के बारे में। तो बिग बाजार में जॉब करने से पहले सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि बिग बाजार के अंदर किस किस पोस्ट पर जॉब मिलती है और वहां पर सेक्शन क्या होते हैं, डिपार्टमेंट क्या होते हैं। तो बिग बाजार में दोस्तों बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि वहां पर आपको सभी चीजें घर से लेकर खाने से लेकर पहनने से लेकर ETC A to Z चीजें मिलती हैं। अब जैसे कि देखो, फूड एक सेक्शन हो गया, फूड में दोस्तों आपको बिस्किट हो गया, स्नैक्स हो गया, ये सारा आता है फूड में। नॉन फूड में आपका शैम्पू, डीओ, ऑयल, ये सारी चीजें आ जाती हैं, जो फेस वेस पे लगाने वाला होता है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट होता है वो होता है, वो आता है नॉन फूड में। तीसरा में हो गया दोस्तों स्टेपल, स्टेपल में दाल, चावल, चीनी, आटा, करू तेल, नारियल का तेल, ये सारी जो चीज है वो आ जाता है आपका स्टेपल में। चौथा में दोस्तों आता है फॉर्म फ्रेश, फॉर्म फ्रेश में ताजी ताजी सब्जियां हो गई, आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, ETC, ये सारी चीजें आ जाती है। पांचवा में दोस्तों अब हम आते हैं फैशन में। फैशन में भी तीन डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है मेंस फॉर्मल वियर, यानी कि जो फॉर्मल ड्रेस हम लोग पहनते हैं, फुल पैंट शर्ट ETC, और दूसरा जो होता है वो होता है मेंस कैजुअल, यानी कि जींस, टी शर्ट और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टी शर्ट, स्टाइलिश वाले जो कैजुअल टी शर्ट जींस होते हैं, वो सारी चीजें हो गई। अब दोस्तों तीसरा में फैशन में आता है, वो आता है लेडीज, लेडीज डिपार्टमेंट का जो भी सामान आता है। चौथा में आता है किड्स, किड्स बच्चों का जो पहनने वाला आता है, वो सारी चीजें। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग वाइस बांटे गए हैं और उन सारे में अलग अलग बंदे जो हैं, अलग अलग एम्प्लॉई जो हैं, वो वहां पर वर्क करते हैं। पांचवा में दोस्तों आ गया हमारा टॉय सेक्शन, यानी कि खिलौने का भी वहां पर सेक्शन होता है, खिलौने भी काफी अच्छे खासे मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स, होम फैशन, किचन वेयर, जहां पर आपको बर्तन ये सब मिलते हैं। ये सारे जो सेक्शन है दोस्तों, ये एक बिग बाजार के अंदर में आता है, मतलब कि जितने भी घरेलू सामान है वो आपको पूरा जो है वो बिग बाजार में मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों हो गया हमारा डिपार्टमेंट। अब दोस्तों, आप बिग बाजार में जॉब करना चाहते हो तो आपको पोस्ट वाइज भी, अगर आप चाहते हो कि बिग बाजार में ही करियर बनाना, आपको बिग बाजार में ही आगे जाना, तो पोस्ट भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ज्वाइन करोगे तो वो करोगे आप टीम मेंबर में, टीम मेंबर में ज्वाइन करोगे। उसके बाद 18 महीने तक आप जब काम करते हो और आपका काम का जो एक्सपीरियंस है वो आपके मैनेजर को अच्छा लगता है, तो बेसिकली 18 महीने में सबका अप्रेजल होता है। तो अप्रेजल होने के बाद दोस्तों 18 महीने के बाद आपको टीम लीडर का पोस्ट दिया जाएगा। उसके 5 साल बाद आपको ADM यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मैनेजर का पोस्ट दिया जाएगा, यानी कि कोई एक डिपार्टमेंट मान लो कि मेंस डिपार्टमेंट है, उसका आपको मैनेजर बना दिया जाएगा और आपके अंदर जो है वो टीम लीडर और एम्प्लॉई काम करेंगे। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट मैनेजर बना दिया जाएगा, यानी कि एक फ्लोर का पूरा डिपार्टमेंट मैनेजर हो। मान लो कि एक फ्लोर में पूरा फैशन है, लेडीज, मेंस, किड्स, ये सारे मिलाकर एक सेक्शन है, उसका आपको डिपार्टमेंट मैनेजर बना दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको ASM बनाया जाएगा, यानी कि असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, और उसके बाद जो आपको बनाया जाएगा वो जाएगा स्टोर
मैनेजर, मतलब कि ये सारे प्रोसेस भी आपको 20-25 साल लग जाएंगे अगर आपको स्टोर मैनेजर बिग बाजार का बनना है, यानी कि स्टोर करता है यानी कि पूरे बिग बाजार का जो, और मान लो कि अगर पटना में एक बिग बाजार है उसका जो स्टोर मैनेजर वो आपको बनना है, तो कम से कम आपको स्टार्टिंग से अगर आप टीम मेंबर से ज्वाइन करते हो तो आपको 20-25 साल लग जाएंगे। वो आपके वर्किंग एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है कि आप कैसा वर्क करते हो। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं शिफ्ट के बारे में कि बिग बाजार में कितने शिफ्ट चलते हैं, कितने कितने टाइम तक काम करना होता है, चाहे वो लेडीज हो या फिर मेंस हो, ये दोनों के लिए। तो अगर आप लेडीज हो तो लेडीज को बेसिकली मॉर्निंग शिफ्ट ही दिया जाता है बहुत सारे लेडीज को। अब शिफ्ट की मैं बात करूं तो बिग बाजार में दो शिफ्ट चलते हैं, पहला जो शिफ्ट हो गया वो हो गया मॉर्निंग शिफ्ट और दूसरा जो शिफ्ट हो गया वो हो गया क्लोजिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट का जो टाइम होता है बेसिकली आजकल लगभग हर बिग बाजार में जो होते हैं 10:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक, और इस बीच में आपको 45 मिनट का आपका लंच मिलता है और आपको 15 मिनट का टी ब्रेक मिलता है। वैसे ही दोस्तों दूसरा जो शिफ्ट होता है वो होता है 1 बजे से लेकर बिग बाजार क्लोज होने तक, यानी कि बिग बाजार जो क्लोज होता है वो लगभग 10:30 बजे रात तक क्लोज हो जाता है। तो इसमें भी दोस्तों आपका टी ब्रेक और लंच जो है वो इंक्लूडेड है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिग बाजार में छुट्टी के बारे में, बिग बाजार में आपको छुट्टी कैसे मिलती है। तो बिग बाजार में छुट्टी का थोड़ा सा लोचा है क्योंकि अगर आपको वीक में तो एक वीक ऑफ तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन वीक ऑफ में भी एक कंडीशन है कि आपको सैटरडे संडे एंड वेडनेसडे को आपको वीक ऑफ बिल्कुल नहीं मिल सकता क्योंकि इसी दिन उन लोग का सेल रहता है और ऑफर चलते हैं। तो जिनका जीएफ वगैरह है तो उनमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग संडे को सैटरडे को घूमने जाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों बिग बाजार में आपको 30 जो है एक्स्ट्रा लीव प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि 30 दिन आपको एक्स्ट्रा छुट्टी दी जाती है अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो जाते हो या फिर आप इल हो जाते हो, आप बीमार हो जाते हो, तो आपको 30 एक्स्ट्रा जो छुट्टी है 30 एक्स्ट्रा जो लीव है एपीएल उसको बोलते हैं बिग बाजार में, तो वो आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ में दोस्तों एक जबरदस्त चीज बिग बाजार में, ये मुझे सबसे अच्छी लगती है कि अगर आप महीने में 3 बार लेट आते हो कुछ कारणवश, 3 बार आप मान लो कि आपका टाइम है 10:30 बजे लेकिन आप आए 1 बजे तक, तो 3 बार जो है आपका हाफ टाइम जो है वो माफ कर दिया जाएगा। या फिर आप बहुत जल्द जाना चाहते हो, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, फिर आपको कहीं फंक्शन में जाना है, तो 3 गेट पास वहां पर इशू होता है। महीने में आपको 3 गेट पास की सुविधा मिलती है जिसमें आप पहले जा सकते हो या फिर बाद में लेट भी आ सकते हो, उसमें आपको कोई फर्क नहीं है, वो आपका हक है। तो दोस्तों यही था बिग बाजार का जो मेन चीज होता है। सबसे पहले आपको कहीं भी जॉब करना चाहिए तो उसके अंदर का इंटरनल सारी जो चीजें होती है वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाकर आपको दिक्कत होती है और आप उस माहौल में ढल नहीं पाओगे। तो ऐसे में दोस्तों आपका और भी कुछ क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं उसके बारे में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक करके जाना, और मैं बिग बाजार से जॉब से रिलेटेड पूरी एक सीरीज चला रहा हूं, मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि ताकि आप इंटरव्यू देने जाओ और इंटरव्यू कैसे जाओ, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन होते हैं, सैलरीज क्या होती है, फेस्टिवल में आपको छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत मशक्कत करने पड़ती है आपको छुट्टी लेने के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें दोस्तों मैं आपको बिग बाजार में जॉब का इंटरव्यू प्रोसेस बताऊंगा कि इंटरव्यू कैसे होता है, कहां पर आपको जाना होता है, कहां पर आपको रिज्यूमे जाकर जमा करना होता है, वो सारी चीजें। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा लाइक करके जाना, और जो भी आपका जो भी वीडियो देख रहा हूं वो एक कमेंट जरूर नीचे करें, आपका कुछ भी क्वेरी हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जॉब से रिलेटेड, बिग बाजार रिटेल सेक्टर में जॉब से रिलेटेड, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं जहां तक हो सकेगा मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड से जो भी जॉब करना चाहते हैं, वो सारी लोगों से आप शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।